और अब राजस्थान से जुड़ी हुई एक ब्रेकिंग न्यूज। राजस्थान में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लग सकता है। सचिन पायलट के करीबी और एससी आयोग के पूर्व अध्यक्ष खिलाड़ी लाल बैरवा के साथ कई कांग्रेस नेता आज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। गहलोत सरकार में मंत्री लालचंद कटारिया, गहलोत सरकार में गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव, पूर्व विधायक रिचपाल मिर्धा, विजयपाल मिर्धा, आलोक बेनीवाल, रामपाल शर्मा समेत करीब 18 कांग्रेस नेता आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। जयपुर में बीजेपी दफ्तर में आज सुबह करीब 11 बजे का वो वक्त होगा जब ये सभी कांग्रेस नेता बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। इससे पहले कांग्रेस के कद्दावर नेता महेंद्रजीत मालविया बीजेपी में शामिल हुए। राजस्थान कांग्रेस के लिहाज से, लोकसभा चुनाव के लिहाज से एक बड़ा झटका यहां पर कांग्रेस को लगता हुआ दिखाई दे रहा है। आज माना जा रहा है 11 बजे का वो वक्त होगा जब ये तमाम बड़े नेता, कुछ नेता इसमें बताए जा रहे हैं जो सचिन पायलट के करीबी रहे हैं और लालचंद कटारिया जैसे वो कद्दावर नेता जो गहलोत सरकार में मंत्री भी रहे हैं और गहलोत, अशोक गहलोत के बहुत करीबी माने जाते हैं, लेकिन अब इनका भी पार्टी से मोह भंग हो चुका है। अब ऐसे में जब 25 लोकसभा की सीटें पहले ही बीजेपी के पास हैं और अब फिर से लोकसभा चुनाव आने वाला है, तो कांग्रेस जो यहां पर वैसे ही बहुत कमजोर है और कमजोर होती हुई यहां से दिखाई देगी, इसीलिए कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको उन नेताओं की तस्वीर भी दिखा रहे हैं, नाम भी दिखा रहे हैं जो आज शामिल हो सकते हैं भारतीय जनता पार्टी में। पहले एक बड़ा झटका लग चुका है, कांग्रेस के कद्दावर नेता है महेंद्रजीत मालविया वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। और खास तौर पर अगर जो तस्वीरें आप देखेंगे जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है, ये अलग अलग क्षेत्र में अपना बहुत प्रभाव रखते हैं। तो क्या कांग्रेस इनकी नाराजगी को भांप नहीं पाई और अब पूरा ये जो मामला है हाथ से निकल चुका है और आज खबर ये है कि बीजेपी में शामिल हो सकते हैं।